स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना दादा, शर्मा क्यों रहे हैं? हाँ हाँ, अब तो भाभी आने वाली है, उनके सामने खाया तो मजाक ना बन जाएगा। अच्छा है ना, भाभी भी जान जाएंगी कि दादा माँ के लाडले हैं और उन्हीं के हाथों से खाते हैं। तो इनकी बातें मत सुन, ले खा। बस माँ, और भूख नहीं है। हाँ, अब तेरे हाथ से क्यों खाएगा छोटी दुल्हन, बहू जो आ रही है वो खिलाएगी तब इसका पेट भरेगा। तो क्या माँ का लाडला बिगड़ जाएगा? माँ दीजिए ना, आप इन लोगों की बातें मत सुनिए। मैं तो हमेशा आप ही का बेटा रहूंगा। ओहो, देखा, बेटा हो तो ऐसा। आप समझी नाराज क्यों लाडला है? सबको अच्छे से खुश रखना जानते हैं दादा। मैनेजमेंट जो पड़ा है, अभी भाभी आएगी उसे भी खुश रखेगा। खाइए ना दादा। हाँ हाँ, खाओ खाओ। यहाँ और लाइट्स लगवा दो। ओ, टाइम पे बुला लेना। दादा जी, मौसा जी, मैं ये सोचा था कि अगर हम ये लाइट्स की झालर यहाँ लटका दे और इन सारे फूलों को यहाँ लगा दे तो बहुत अच्छे लगेगी। सही बात कहे। अरे भाई सुनो, सारी सजावट इस छोरे से पूछ के करना। अच्छा राज बनना जी, शरबत कम ना पड़े, 50-60 अलग से बोतल मंगा के रखो। हाँ शौर्य भैया। अरे दुकान पर पहुँचे कि नहीं, कितनी देर लगेगी? नहीं अभी हम दुकान नहीं पहुँचे, हमें थोड़ा समय लगेगा। जल्दी करो, यहाँ पर बहुत से काम पड़े हैं। जी शौर्य भैया। देर जाएगा बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ये बजरंगबली, ये तो सब लोग काम कर रहे हैं, अब हम क्या करें? ये चिट्ठी पहुंचा के शौर्य भैया का भी काम करना है। ए बजरंगबली, आज हमारी लाज रख लो। भाई साहब, अब ताके ही हो ना? तो क्या लिखा है इस पर राष्ट्रपति? सुनो, तुम्हें अंदर चिट्ठी देने जाना है ना, कलम दो। ढाके ही हो ना, राष्ट्रपति तो नहीं, कलम दो। भाई साहब, आप मेरा एक काम करोगे? हमारे पास ये चिट्ठी है नैतिक सिंघानिया की, थारे पास ये बिल्ला है, थारे से कोई पूछेगा भी नहीं, मारे को ये चिट्ठी पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप लेकर जाओगे ना? ले लीजिए ना, और फिर भाई भाई के ही काम आता है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और ये आपकी कलम, और हाँ इसे सिर्फ नैतिक जी को ही देना, और किसी को मत देना। ठीक है, हम उन्हीं के हाथ में देंगे, भगवान थारा भला करे। हाँ शौर्य भैया, हाँ हाँ, हम अभी दुकान के सामने ही खड़े हुए हैं जी। अंदर जाके खेलो, जल्दी जाओ। अब कब से यही लगा रहे हो, भारत निकलने के बाद लगाओगे क्या? साहब नैतिक सिंघानिया जी, अंदर जी। नैतिक सिंघानिया क्या? नैतिक सिंघानिया क्या काम है? उनकी चिट्ठी है तो दो।
हमें नैतिक जी के हाथ में ही देनी है चिट्ठी। नैतिक मैं ही हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा, क्षमा कीजिए, आपके नाम की चिट्ठियाँ आई, ये इस पर साइन कर दीजिए, ये लीजिए। वो क्या है, दूसरे को देने से इधर उधर हो जाती है ना, तो बात हम पर आती है। आप ही की शादी है क्या? बधाई हो। लीजिए। धन्यवाद। फिर से बाहर आ गई। मैंने बोला था ना अंदर जाके खेलो, सब बिगाड़ दोगे यहाँ पर। दादा हमें कहीं खेलने की जगह नहीं मिलती, ये कौन सी बात है? ठीक है, पहले मेरा एक काम करो, ये सारी चिट्ठियाँ जाकर नैतिक दादा को दे दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को खेलने की जगह दूंगा, ठीक है? ठीक है, पर मैं दूंगा। चुप चुप, रुको चुप। बोनू तुम जाकर दो, ये लो। आप कब से यही लगाओगे कि आगे नहीं बढ़ना है क्या? अरे नैतिक दादा की चिट्ठी है, इसे मत खराब करो, वो तुम्हें डांटेंगे। अरे भाई सुन, दादा जी देखिए ना, ये नैतिक दादा की चिट्ठी खराब कर रहे हैं। क्या करो हो तुम लोग, लाओ सारी चिट्ठियां हमारे को दो, लाओ और जाओ तुम लोग बाहर खेलो जाके, जाओ चलो, लाओ बने दो सारी चिट्ठी, लाओ चलो जाओ बाहर खेलो जाके, जाओ। ये क्या दादाजी, ये फाड़ क्या दिया आपने? पत्र है। किसका है? तो मुन्ना का, पर उसे मिलना नहीं चाहिए। हटाओ इसे यहां से, हटाओ। क्यों दादाजी, इसमें ऐसा क्या है जो आपने फाड़ दिया? पढ़ ले। दादाजी आपने इसे फाड़ा क्यों? कह कि आज मुन्ना का ब्याह है, इस शुभ अवसर पर हम मुन्ना को पूरी खबर न देनी चाहिए। अरे इस नौकरी से बहुत अरमान थे उसके, तने याद है? हम सब की इच्छा के विरुद्ध इंटरव्यू देने गया था वो इस नौकरी के लिए। जब उसे पता चलेगा कि उसे ये नौकरी ना मिली, निराश हो जाएगा हमारा मुन्ना। वैसे तो हम भी यही चाहते थे कि हमारा बड़ा हुआ कारोबार छोड़कर किसी और की नौकरी ना करे, पर अपने मुन्ना की खुशी के आगे हमें झुकना पड़ा। हमारा मुन्ना हटी है, पर उसकी जिद और अकड़ में उसका स्वाभिमान छिपा है, और मैं तो उसका स्वाभिमान तोड़ ना सकूं भाई। अरे यही तो समय हुए है जब हमें अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दादाजी, बिल्कुल ठीक। अच्छा किया आपने जो इस पत्र को फाड़ दिया। हमारा मुन्ना कच्चा घड़ा है अभी, एक चोट लगेगी ना टूट जावेगा,
अभी सही अवसर ना है उसे ये सब बताने का, और तू भी ये बात किसी से ना कहियो ना, और तू भी अपना मन छोटा मत कर। वो जो है वो बांसुरी वाला, अरे उसने जरूर मारे मुन्ना के वास्ते कुछ चोखा सोच कर रखा होगा। अरे तभी तो ना दीजिए नौकरी। उस रात आपने मुझसे कुछ सवाल किए थे जिनके जवाब मैंने खामोशी से दे दिए, लेकिन आप नाराज होकर चले गए। शायद मेरी चुप्पी को गलत समझ बैठे। मुझे लगा था शायद आप मेरी खामोशी को पढ़ सकेंगे, लेकिन शायद वो मेरी भूल थी, वैसी ही भूल जो कभी डेस्टिमोना ने की थी। आज सोचती हूँ कि अगर डेस्टिमोना ने अपनी खामोशी तोड़ दी होती तो ओथेलो से क्या कहा होता। क्या उसने अपने मन का कच्चा चिट्ठा सुनाया होता, या अपने प्यार की दुहाई दी होती, या फिर वो भी मेरी तरह सिर्फ इतना कहती कि हो सके तो जरा भरोसा रख के देखो, हो सके तो इन आंखों की सच्चाई पढ़ लो। हो सके तो मेरे मन में झांक लो जहां सिर्फ तुम ही तुम दिखोगे। आप ही कहिए नैतिक जी, क्या ये जानकर, ये सुनकर भी ओथेलो उससे नाराज रह सकता था? क्या फिर भी वो उसके प्यार को स्वीकार नहीं करता, उसे मुंह मोड़ लेता? आपके जवाब के इंतजार में आपकी अक्षरा। ये भोला भाई अब तक आए क्यों नहीं? वो और भी काम करने गए हैं, मिठाई भी लेनी है, और मिठाई के चक्कर में कहीं वो मेरा लेटर न खो दे। भोला भैया सीधा नैतिक जी के हाथ में ही चिट्ठी देंगे, वो कहीं नहीं जाएगी। पर कितनी देर हो गई है वर्षा। अक्षरा दीदी, भोला भैया आ गए आप? हाँ। चिट्ठी दे दी ना? हाँ चिट्ठी तो दे दी, पर क्या हुआ? लेकिन क्या? लेकिन पहुंच जाएगी। भोला भैया ठीक से बताइए, आपने चिट्ठी दी कि नहीं, नैतिक जी के हाथों में दी कि नहीं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।